नमस्कार, मैं हूं सुमकान। दिनभर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू, पहले दिन जंक्शन में 360 व टाउन में 8000 क्विंटल गेहूं की हुई खरीद। टाउन पुलिस ने की एनटीपीएस के तहत कार्रवाई, 25000 ड्रम मंडोल सहित दो गिरफ्तार। प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा ने किया जंक्शन मेन बाजार में जनसंपर्क। जिला अस्पताल में हुई बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर कार्यशाला। अब खबरें विस्तार से। भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। गेहूं की आवक के साथ ही जंक्शन और टाउन धान मंडियों में आज भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं की खरीद की गई। एफसीआई ने पहले दिन जंक्शन में लगभग 360 क्विंटल व टाउन में 8000 क्विंटल गेहूं की खरीद की। बताया गया कि बारदाना आदि को लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई। जंक्शन और टाउन धान मंडी में विधिवत तरीके से शुक्रवार को खरीद की शुरुआत हुई। टाउन में कृषि उपज मंडी समिति चेयरमैन रामेश्वर चावरिया, फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष सुभाष सिंगला, एफसीआई के अमरचंद मीणा, सचिव सीएल वर्मा की उपस्थिति में गेहूं की खरीद शुरू हुई। एफसीआई के अमरचंद मीणा के अनुसार जंक्शन में लगभग 2000 क्विंटल गेहूं की आवक हुई है, जबकि 360 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। बाकी गेहूं की खरीद नमी की वजह से नहीं हो पाई है। वहीं टाउन की बात करें तो टाउन धान मंडी में लगभग 10000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। एफसीआई ने पहले दिन 8000 क्विंटल गेहूं की खरीद की। बताया गया कि कुछ किसानों की गेहूं की खरीद गिरदावरी न होने की वजह से हो पाई है। वहीं बताया गया कि बारदाना आदि को लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। टाउन में लगभग 25 लाख की बारदाना की आवश्यकता रहती है, जबकि टाउन में 30 लाख बारदाना पहुंच चुका है। हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ जंक्शन दोनों मंडियों के अंदर भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी में 360 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है और वहां पर लगभग 2000 क्विंटल गेहूं की आवक है, जो नमी की वजह से बाकी गेहूं नहीं खरीदा गया है, जो कल तक वो गेहूं की नमी हमारे मापदंडों में आ जाएगी और उसको खरीद लिया जाएगा। हनुमानगढ़ टाउन में लगभग 8 से 10 हज़ार क्विंटल गेहूं की आवक है, जिसमें से लगभग दस हज़ार क्विंटल गेहूं की आवक है, जिसमें से 8000 क्विंटल गेहूं भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद कर लिया गया है और शेष गेहूं कुछ किसानों के पास में गिरदावरी के अभाव में नहीं खरीदा गया है, जिसे कल गिरदावरी आने पर खरीद लिया जाएगा और समय पर भारतीय खाद्य निगम किसानों का माल खरीदता रहेगा और समय पर उठाव करता रहेगा। ये हमारी व्यवस्था रहेगी और खाद्यान्न के तुरंत उठाव के बाद में 24 घंटे में किसानों को भुगतान, गेहूं का भुगतान कर दिया जाएगा। मतलब बारदाने का क्या व्यवस्था करें? बारदाना की हमारे पास में पर्याप्त मात्रा है अभी। कितना? और यहाँ लगभग 25 लाख कट्टे की आवश्यकता है हनुमानगढ़ टाउन मंडी में, जो हमारे पास में ऑलरेडी 30 लाख कट्टे यहाँ पर हैं। टाउन थाना पुलिस ने एनटीपीएस के तहत कार्रवाई करते हुए दो जनों को गिरफ्तार किया है। एएसआई लखवीर सिंह के नेतृत्व में शिफ्ट गाड़ी रोककर की गई कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी दीपक व लतीफ के कब्जे से 25000 ट्रोमाडोल गोलियां बरामद की, जबकि पुलिस कार्रवाई में चालक भागने में कामयाब रहा। वहीं नशीली दवाओं को हरियाणा से श्रीगंगानगर ले जाना बताया गया है। टाउन थाना पुलिस ने एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करते हुए दो जनों को गिरफ्तार किया है। एएसआई लखवीर सिंह के नेतृत्व में टाउन सतीपुरा बाईपास पर शिफ्ट गाड़ी को रोका और गाड़ी में एक कार्टून रखी ट्रोमाडोल गोलियों को बरामद किया गया। पुलिस ने भादरा निवासी लतीफ और दीपक को गिरफ्तार किया है, जबकि चालक गोविंद कार्रवाई के दौरान भागने में कामयाब रहा। टाउन से आई अरुण चौधरी ने बताया कि चालक फिलहाल फरार है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। वहीं पुलिस दोनों आरोपितों से पूछताछ कर रही है और इनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। सुबह पुलिस टीम ने लखवीर सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक स्विफ्ट गाड़ी को रुकवाया, जिसकी तलाशी ली। तलाशी में एक कार्टून ट्रामाडोल का मिला, जिसमें 25000 गोलियां थी। गाड़ी में से एक जो ड्राइवर था चला रहा था वह भाग गया और दो आदमी, एक दीपक और एक लतीफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भागने वाले आदमी की तलाश जारी है। ये दीपक और लतीफ दोनों भादरा के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है वो भी पता किया जा रहा है। अनुसंधान
थाने में किया जा रहा है, आगे जैसे भी कार्रवाई होगी की जाएगी। ये हरियाणा से लाना बता रहे हैं और आगे गंगानगर ले जाना बता रहे हैं, तो अभी आगे अनुसंधान में पूरा इनसे अनुसंधान करके मालूम चलेगा कि सही में कहाँ से लाए हैं। हाँ, ड्राइवर की पहचान होगी, ड्राइवर का नाम गोविंद है और इसकी तलाश अभी पुलिस अपने स्तर पर कर रही है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी लोकसभा चुनावों में प्रचार प्रसार को लेकर हनुमानगढ़ पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। जंक्शन मेन बाजार में जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना की गई। एक ही चर्चा, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा, दिल्ली में एक ही चर्चा, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार फिर सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। गली गली में है की चर्चा, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोर्चा गली गली में है की चर्चा, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा, गली गली में है की चर्चा, युवा मोर्चा में मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। माता की जय हो, गली गली में मातरम, गली गली में मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता युवा मोर्चे का पूरे राजस्थान में इस प्रकार डोर टू डोर संपर्क का, चुनावों के संपर्क का और इस प्रकार के अभियान को लेकर के हम लोग पूरे राजस्थान भर के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी की दृष्टि से आज विधानसभा हनुमानगढ़ के अंदर लोकसभा क्षेत्र हमारा गंगानगर है, यहाँ इसे पूरे मार्केट के अंदर युवा मोर्चे की टोली के साथ हम लोग मोदी जी के नारे और भारत माता के जयकारे के साथ हम लोग पार्टी के पक्ष में माहौल खड़ा करने का काम कर रहे हैं और तमाम हमारे युवा मोर्चा के साथी इस अभियान में लगे हुए हैं। डोर टू डोर संपर्क का हमारा कार्यक्रम अभी चल रहा है। ये प्रत्याशी के भी नारे लग रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मोदी जी के नाम पे आज पूरे देश में एक वातावरण बना हुआ है। मोदी जी को ही आज पूरे देश की 125 करोड़ चाहती है कि वो पुनः प्रधानमंत्री बने और चुनाव तो आज मोदी जी के लिए ही हो रहा है क्योंकि ऊपर लेवल का चुनाव हो रहा है। एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ मोदी जी है, तो जनता ने मन बना लिया है कि वो मोदी जी को ही ज़्यादा अग्रमी रहता है, तो युवाओं में ज़्यादातर मोदी जी का ही नाम निकलता है। राजस्थान की बात करें तो 25 में से कितनी सीटों का आप दावा कर रहे हैं? हमने 2014 में 25 की 25 सीटें जीती थी और आज पुनः 25 की 25 सीटें ही हम राजस्थान से जीतेंगे। क्या मोदी लहर है अभी भी सर? मोदी जी लहर नहीं, मोदी जी तूफान है, मोदी जी आंधी है, मोदी जी नाम की सुनामी चल रही है। केवल राजस्थान नहीं, केवल भारत ने नहीं, पूरी दुनिया ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अशोक सैनी जी हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में पधारे हैं। अभी हमारे संगरिया विधानसभा में मीटिंग थी कार्यकर्ताओं की, अभी हनुमानगढ़ विधानसभा में जनसंपर्क का अभियान था और पूरी युवा मोर्चा के हमारे मंडल की टोली के साथ हमने बाजार के अंदर संपर्क किया है। कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और लोगों में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोगों ने कहा भी जो गलती हमने राज्य सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को वोट देकर की थी उसकी भरपाई अब करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को हमारे श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से निहाल चंद जी को भारी मतों से जिताकर लोकसभा में भेजेंगे। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर नगर मंडल हनुमानगढ़ और शक्ति केंद्र प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने और एक बार फिर से देश की कमान पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपने के लिए पुरजोर कोशिश करने पर चर्चा हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं को आवश्यक जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर नगर मंडल हनुमानगढ़ व शक्ति केंद्र प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में लोकसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में नगर मंडल की तैयारियों पर चर्चा करने के साथ साथ पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहने सहित कार्यकर्ताओं के सक्रिय बने रहने पर चर्चाएं हुई। नगर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने बताया कि कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती प्रत्येक बूथ पर मनाने का निर्णय भी लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन व शक्ति केंद्र प्रभारियों की एक संयुक्त बैठक
आयोजित की गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार पुनः देश का गौरव जो हमारे हैं उनको सौंपा जाए, उन्हें पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसको लेकर निहाल चंद जी को अधिक से अधिक मतों से जिताया जाए, बैठक में इस एजेंडा रखा गया। हमारे प्रत्येक बूथ पर पदाधिकारियों की एक संयुक्त टीम काम करेगी। तीन तीन बूथ पर एक एक नगर मंडल का पदाधिकारी लगाया गया है कि उस बूथ की जिम्मेदारी उस पदाधिकारी की होगी कि उस बूथ के ऊपर भी अधिक से अधिक मतों से निहाल चंद जी को विजय बनाए। आज प्रत्येक बूथ के ऊपर 14 तारीख को जो अंबेडकर जी का जन्मदिवस है उसे भी बड़े हलोस और उल्लास के साथ मनाया जाए, इस बात की भी जिम्मेदारी तय की गई है कि प्रत्येक बूथ पर अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाए। हम चाहते हैं कि हनुमानगढ़ विधानसभा से निहाल चंद जी अधिक से अधिक मतों से विजय हों और इस गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से कम 2 लाख वोटों से निहाल चंद जी जीत के जाएं, जिससे कि हम सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़े। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 11 से 20 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। विशेष अभियान का उद्घाटन समारोह एडीआर भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। अभियान के तहत मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकारी के तहत ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ा जाना है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 11 से 20 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बताया गया कि संविधान की 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदत्त है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा के लिए योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। लेकिन प्रत्येक वर्ष राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में बालक बालिकाओं के प्रवेश को लेकर विशेष प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन जो बच्चे प्रवेशित होते हैं वे शैक्षणिक सत्र के अंत तक अध्ययन नहीं कर पाते। इस विशेष अभियान के तहत ऐसे ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर उनका डाटा एकत्रित किया जाना है। अभियान को सफल बनाने के लिए सभी पैरालीगल वॉलेंटियर्स को बढ़ चढ़कर कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। उद्घाटन समारोह में जिला मुख्यालय के समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके अलावा जिला न्याय क्षेत्र के पैरालीगल वॉलेंटियर्स भी उपस्थित रहे। शिक्षा हमारा मूल अधिकार है और ये हमेशा देखा गया कि बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतया स्कूलों से चले जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और इस मूल अधिकार की रक्षा के लिए, और ये भी देखा गया कि जो बच्चे अगर चले जाते हैं स्कूल से तो फिर अपराध की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होते हैं, तो एक क्राइम भी बढ़ता है। इन सब को रोकने की जिम्मेदारी रालसा द्वारा हमें दी गई है। इसका हम सर्वे करेंगे और PLVs की हमने टीम बनाई है जो पूरे हनुमानगढ़ जिले में अलग अलग गांवों में जाकर हर एक एक PLV को लगभग 15 से 20 स्कूल दिए गए हैं जो जाकर जांच करेंगे कि बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं, क्या क्या कारण है। सामान्य कारण हम सबको मालूम है कि गरीबी हो सकती है, हो सकता है उनके घर में लड़कियों का जल्दी विवाह हो रहा है, या और भी किन्हीं कारणों से बच्चे स्कूलों से ड्रॉप आउट होते हैं, लेकिन इन सब कारणों को हम हमारी टीम जाके जांच करेगी और अपनी विस्तृत रिपोर्ट देगी। ये एक बहुमूल्य दस्तावेज होगा जिसमें हम विस्तृत रिपोर्ट ले रहे हैं कि बच्चा ने स्कूल में कब प्रवेश लिया, कब वो स्कूल से चला गया और चला जाने का कारण क्या था, उसके माता पिता का संपर्क नंबर इत्यादि सारी विस्तृत जानकारी ली जाएगी। और ये 10 दिन का अभियान है, लगभग हमारे 70 PLV है जो हर 15 से 20 स्कूलों में जाकर इस अभियान को करेंगे। तो 11 तारीख अप्रैल से शुरू होकर आज से और 20 अप्रैल तक चलेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं बरसी मनाते हुए टाउन स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली। रैली के दौरान देश के शहीद जवानों की शहादत को याद करते हुए शहीद उधम सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। Yeah.
बच्चे हैं आदर्श विद्या मंदिर के। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों द्वारा की गई क्रूरता को याद कर आज भी देश का नागरिक सिहर उठता है। जनरल डायर द्वारा की गई उस घटना से देश के नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी और उसी घटना का बदला लिया देश के जवान उधम सिंह ने। आदर्श विद्या मंदिर के बच्चों द्वारा भारत माता चौक से शहीद उधम सिंह चौक तक रैली निकाली गई। स्कूली बच्चों ने उस घटना की निंदा करते हुए शहीद उधम सिंह को आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस अवसर पर शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। 18 अप्रैल 1919 को हुए उस निंदनीय कार्य के जो उनके द्वारा किया गया था बहुत ही निंदनीय था और अंग्रेज जनरल डायर ने जो निहत्थे नागरिकों को मारा था यह बहुत शर्मनाक था। और हमने ये रैली इसलिए निकाली है कि हम उधम सिंह शहीद उधम सिंह को याद करके अपने 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 देश के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने लंदन जाकर जनरल डायर को मारा वह देश मतलब अपने बदला लिया नागरिकों के निहत्थे नागरिकों को मारने का बदला लिया। सरदार उधम सिंह का जन्म सरदार टहल सिंह के कंबोज गांव में हुआ। उनका जन्म जिला संगरूर में हुआ। सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को अपनी आंखों से देखा और उनको यह बहुत ही निंदनीय लगा। उन्होंने बदला लेने के लिए भारत माता की मिट्टी को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की कि वह इसका बदला जरूर लेंगे। इसलिए वह लंदन जाकर उन्होंने जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी और अपने देश का स्वाभिमान को बनाए रखा और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। सरदार उधम सिंह हमारे देश के लिए एक पूजनीय है जिसके लिए हम आज 100वीं उनकी शहीदी दिवस पर हम रैली निकाल रहे हैं। 1919 बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों का नरसंहार हत्या कर दी थी। उस उपलक्ष्य में आदर्श विद्या मंदिर के समस्त भैया बहन और समिति के सदस्यों के द्वारा भारत माता चौक से लेकर उधम सिंह चौक तक रैली का आयोजन किया और उनके शहीदों को नमन किया गया। और मैं सभी देशवासियों को इसकी घोर निंदा के बारे में कहता हूं और परसों लंदन की संसद के अंदर वहां की राष्ट्रपति ने 100 साल बाद इस बात को स्वीकार किया है कि अंग्रेजों के द्वारा बड़ा ही निंदनीय कृत्य किया गया। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, Punjabi। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान पाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लेबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। रात के जिला अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जिला अस्पताल CSC PSC प्रभारी और नर्सिंग स्टाफ ने भाग लिया। बैठक में बायोमेडिकल वेस्ट के नए नियमों को लेकर जानकारी दी गई। जिला अस्पताल में हुई बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर कार्यशाला। कार्यशाला का उद्देश्य था अस्पतालों में होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का सही और नियमानुसार निस्तारण करना। इसके अलावा नए नियमों को लेकर भी जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान बायोमेडिकल वेस्ट की अनदेखी से होने वाले नुकसान को लेकर भी बताया गया। PMO का कहना था कि प्रत्येक हॉस्पिटल की क्षमता के अनुसार बायो वेस्ट के नियम हैं, लेकिन यदि स्लिंज नीडल कटे हुए अंग आदि हॉस्पिटल के पूरे कचरे में मिला दिए जाएं तो स्थिति बदतर हो जाएगी। जबकि बायो वेस्ट को नियमानुसार निस्तारण किया जाए तो वातावरण दूषित होने सहित कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। कोई अपलोड करते थे वापिस आ जाते थे तो काफी समस्याएं आई, सभी को आ रही होगी इस तरह की समस्याएं कि वही चीजें आ जाती है। भर भी दिया, पैसे भर दिए, सब हो गया, उसके बावजूद अभी वो नई नई चीज़ें इसमें आ रही है। अभी एक्सीडेंटल रिपोर्टिंग फॉर्म चेंज हो गया है और बाकी अपने खन्ना साहब बताएंगे कई चीज़ें चेंज हो गई है, इस कारण से पेंडिंग पड़े हैं अपने सारे फॉर्म में, तो वो उसको नए तरीके से दोबारा अपने को भेजना है या तो ईमेल करनी है क्योंकि वो तो पेंडिंग बताएगा अपने को। इसके अलावा अपने जो सिस्टम सुधारना है उसके बारे में पहले कार्यशाला में बताया था मैंने। द एनवायरमेंट एंड द सोशल कॉज
जो हम एक्चुअली हम जाने और अनजाने के अंदर शायद ये चीज़ नहीं जानते कि बायोमेडिकल वेस्ट अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस है फॉर द सोसाइटी, फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो। आप ये मान करके चलिए कि आप खुद जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपके साथ में अगर आपका कोई अटेंडेंट है तो वो नहीं जानता। अगर मान लीजिए वो आपके हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करता है और बाय एक्सीडेंट अगर वो पास के डस्टबिन में से पड़ा हुआ किसी चीज़ को उठा लेता है, सॉइल्ड बैंडेज है, कॉटन है, इन्फेक्शस कुछ भी मटेरियल है, HIV HB कुछ भी इन्फेक्टेड मटेरियल हो सकता है, अगर मान लीजिए वो उसको छू लेता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं आपको नहीं पता चलेगा। ठीक इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि खाली लोगों की बात क्यों सोचें, आप खुद भी तो आप एक इन्फेक्शन के प्रोन हो सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ होता क्यों है? ये सब कुछ होता केवल इसीलिए बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द सेग्रीगेटिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन अ प्रॉपर मैनर। जो नियम बने हैं वो नियम किसी ना किसी चीज़ को सोच करके बने हैं। अपन आज जो टाइम लगाएंगे, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आपको आपने इतनी सारी समस्याएं बताई, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड है, चाहे वो सेग्रीगेशन से रिलेटेड है, चाहे ऑथोराइजेशन से रिलेटेड है, कोई भी आपके प्रॉब्लम है, अगर मेरे प्रॉब्लम में हुआ तो मैं उसको सॉल्व करने में अच्छा महसूस करूँ। माफ़ कीजिएगा बिकॉज आप सब लड़ रहे हैं, मैं आपसे सीख रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपको मैं सिंपल करना चाह रहा हूँ बात को, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट की जो सेग्रीगेशन वो ही सिंपल हो चुका है। आज के टाइम में सिर्फ दो ही कलर कोड हैं आपको ध्यान रखने के, वो है येलो और रेड। बाकी जो ब्लू था वो ब्लू और गीला कचरा सूखा कचरा की भेंट चढ़ गया। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आज राजगढ़ जिला चिकित्सालय में पूरे ज़िले की कार्यशाला जो रखी गई है उसमें सभी चिकित्सक PSC CSC ब्लॉक और हॉस्पिटल के चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ ने भाग लिया। बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल में जनरेट होता है उसको किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए, किस तरह से सब चीज़ों नीडल का, सिरिंज का, जो मानव अंग कटते हैं, खून है, ब्लड है, लेबोरेटरी एजेंट जो काम है, सबको किस तरह से निस्तारण किया जाना चाहिए ताकि वो आमजन के लिए हजार्डस साबित न हो सके। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर जैसे जिला चिकित्सालय की बात करें तो करीब 20-25 रोज़ाना का जो बायोमेडिकल वेस्ट हो 20 किलो या इतना ही होगा 20-25 किलो, लेकिन बाकी जो कचरा होगा वो करीब क्विंटलों में होगा, तो अगर वो इतने छोटे से कचरे को सारे में मिला दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा हजार्ड हो जाएगा पूरी जनता के लिए, तो उसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नए रूल्स क्या हैं, 2016 में रूल्स आए थे, उसके बाद नए रूल्स क्या हैं, छोटे से हॉस्पिटल 0 से 10 बेड के लिए अलग से नियम है, नियम तो एक ही है लेकिन वो निर्धारित फीस पर अलग अलग है, जैसे हमारे यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पूरा सिस्टम चलता है, इसी तरह से हर PSC पे CSC पे उसका ऑथोराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम पानी का और हवा का प्रदूषित उनको प्रदूषित तो नहीं कर रहे हैं। उसके हिसाब से कार्यशाला रखी गई थी, उसमें सभी को हमारे यहाँ जो इनसे कविंद्र सिंह जी BTech से आए हुए हैं, उनके बलकरण सिंह जी भी आए हुए हैं, हमारे नोडल ऑफिसर डॉक्टर शंकर सोनी और सीमित साहब भी इसमें पधारे थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।